दोस्तों जन्माष्टमी आने वाली है तो हम अपने लड्डू गोपाल के लिए आज घर पे ही बहुत सुंदर सी ड्रेस बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अंजलि क्राफ्ट गुरु। हम जीरो से एक नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बना रहे हैं, तो इनके लिए हम 5 इंच बाई 5 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई का एक हम बुकरम ले लेंगे। मैंने ये पेस्टिंग वाली बुकरम ली है। फिर हम इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह मैं वीडियो में फ़ोल्ड कर रही हूँ आप इस तरह फोल्ड कर लीजिएगा। फिर इसका खुला वाला भाग हम ऊपर रखेंगे, इस तरह हम इसको रख लेंगे। फिर हम एक स्केल की हेल्प से इसको मेज़र करेंगे। ये 6.5 सेंटीमीटर है, तो हम 6.5 सेंटीमीटर को ध्यान में रखते हुए इसमें एक डॉट लगाते जाएंगे ताकि ये पूरा हमारा लड्डू गोपाल की पोशाक का घेर बन जाएगा, घेर की गोलाई आ जाएगी। देखिए मैं 6.5 सेंटीमीटर में सारे निशान लगा ले रही हूँ। यह बहुत ही सुंदर ड्रेस बनके तैयार होगा और फटाफट से तैयार हो जाएगा। अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन भी इस ड्रेस को तैयार करते हैं तब भी आप अपने लड्डू गोपाल के लिए ये ड्रेस उस दिन ही फटाफट बना सकते हैं। फिर हम सारे डॉट्स को इस तरह मिला देंगे ताकि इसका एक गोल बन जाए। फिर हम इनको कमर का भी मेज़र कर लेंगे। इसके लिए हमें 1 सेंटीमीटर पर निशान लगाना है, तो मैंने इस तरह 3 निशान लगा लिए हैं। अब इसको भी हम गोल आकार दे देंगे। फिर हम इसको कट कर लेंगे। कमर के गोल निशान को भी कट कर लेंगे। अब इसको हम खोलेंगे। देखिए हमारे लड्डू गोपाल के पोशाक का घेर तैयार हो गया है। अब हम एक वेलवेट का कपड़ा लेंगे, आप चाहें तो साटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, और इसके ऊपर हम प्रेस कर देंगे। प्रेस करने से ये बुकरम हमारी इसमें चिपक जाएगी। जो शाइनिंग वाला पार्ट है वो हम कपड़े की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर से प्रेस कर देंगे। देखिए हमारी चिपक गई है बुकरम, ये पेस्टिंग वाली बुकरम मैंने यूज़ की थी। हम इस तरह इसको फोल्ड करके इसका कमर वाला भाग भी कट कर लेंगे। फिर हमें ये 4 निशान मिलते हैं, इन 4 में से हम किसी एक निशान पे कट लगा देंगे ताकि हमारे लड्डू गोपाल को ये पोशाक पहनाने में आसानी हो जाए। फिर मैंने इस तरह की एक लेस ली है, आप किसी कोई भी फ्लॉबर या कुछ भी ले सकते हैं, कोई स्टोन ले सकते हैं, कोई बूटी ले सकते हैं। मेरे पास ये लेस थी तो मैंने ये लेस ली है और इसके टुकड़े कर लिए हैं अलग अलग। फिर इसको हम ग्लू गन की मदद से फटाफट हम पूरे घेर पे इसको चिपका देंगे। ये ड्रेस बहुत ही जल्दी फटाफट ये आधे घंटे में ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी, बल्कि 15 मिनट में ही तैयार कर सकते हैं आप इसको। फिर हम इसको फैब्रिक ग्लू से इसमें एक स्टोन की चेन लगाते जाएंगे, इससे हमारी ड्रेस और भी खूबसूरत बनेगी। देखिए इस तरह हम वी का निशान बनाते हुए हम सभी स्टोन की चेन इसमें चिपका लेंगे। ये सूखने के बाद ग्लू ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो आप परेशान मत होइएगा, ये एकदम क्लियर दिखने लगेगा। तो देखिए मैंने आधे में स्टोन की लेस लगा ली है, अब हम फटाफट पूरे में लगा लेंगे। देखिए मैंने पूरे में लगा लिया है। अब मेरे लड्डू गोपाल बहुत छोटे हैं, 0 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, बल्कि उनसे भी छोटे हैं, तो इनकी चोली बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, इसलिए मैंने लेस से ही इनकी चोली बना दी है। तो आप वीडियो में देख के इस तरह उनको लेस की चोली पहना दीजिएगा।
फिर हम इनको इनका घेर पहना देंगे। देखिए हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। तो आप भी फटाफट इसको जन्माष्टमी वाले दिन अपने लड्डू गोपाल के लिए बना लीजिए। आप ये किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बटन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।